बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद अपने घर में ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं दिखा रही हूँ, एक सूट है मारिया बी का सैटन का, ठीक है, और एक सूट है मारिया बी का लीलन का, ठीक हो गया। तो ये जो है ये पैनल वर्क है, ना कि पैच वर्क, ये बनाने वाला है। और ये जो सूट है ये रेडी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ सैटन का सूट है, ये देखिए D4 मारिया बी की सैटन जो आती है, बहुत बहुत अच्छी आती है। हर मारिया बी की हर क्लास की नहीं अच्छी है, ठीक है। ये है जी बड़ा प्यारा सा जोड़ा, ये है अक्वा ग्रीन, इसकी जो है ये शलवार है, ठीक है, ये ठीक है, ये इसकी जो है शलवार है। और ये हो गया, और ये इसके शर्ट का बैक है, ये इतना बैक है, बाजू है इसके, बाजू का मटीरियल, हाँ जी, ये इतना खूबसूरत है, ये इतना प्यारा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये तिल्ले का और गोटा पन्नी जो होती है ना, वो देखिए, ये देखिए, ये उसका जो है इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये मेरे पास एक ही जोड़ा है, और इसका एक मेरे पास अपना भी है, वो बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए इतना खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ। ये इसका जो है बाजू हैं, स्लीव्स हैं, और ये इसका जो है ये फ्रंट का मिडल का पैनल है। मैंने बोला ना कि ये जस्ट पैनल है, इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। ये आप मेहंदी शादी पे भी आप वेयर कर सकते हो। ये इसका जो है दामन है, ये इसका जो है ये नेक लाइन है, ये बहुत खूबसूरत है, बड़ा हिट कोड है। ये मेरे पास एक ही अवेलेबल है, ठीक है जी। और ये इसकी जो है साइड की कलियां हैं, ये साइड पे जो है ना, ये मिडल का पैनल है, ये साइड की कलियां लगानी है। लेकिन इनके अंदर बेशक आप सीढ़ी लेस भी दे सकते हो, बारीक गोटी भी दे सकते हो, बट एवर यू वांट, आप लोगों की अपनी चॉइस है। जो भी इसके ज्वाइंट के अंदर लगाना चाहो तो वो लग सकता है। एक पैनल इसका ये है, और ये देखिए पन्नी का काम है, बहुत खूबसूरत है, ख़राब नहीं होने वाला। ये जो मटेरियल होता है मारिया बी के, हर कोई भी सूट जो है वो श्रिंक नहीं होते। ये इसका हो गया फ्रंट पूरा, और ये इसका जो है ना ऑर्गेन्जा दिया हुआ है, ये शर्ट के नीचे लगाने वाला है। और ये इसका जो है ये दामन का है, ये देख लें, सीधी सिलाई में लगने वाला है, स्टिचिंग अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। वो बस जो स्टिच करती हैं उनकी थोड़ी सी ट्रेजेडी होगी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर वो अपना काम जो है वो शुरू कर लेंगी, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, ये दामन का पैनल है, पैच है, सॉरी, ये है इसका बैक साइड, ये वाला, ये सैटन इसकी सिल्क के जैसी होती है हमारी अभी की, लाइक सिल्क, ठीक है। ये भी इसका जो है, मैं देखती जाती हूँ, ये इसका जो है ये बाजू के आगे का है, ये पट्टी जो है ये स्लीव्स के आगे की है, और ये इसका जो है ये बाजुओं के दो पैच हैं, ये सोल्डिंग आयरन से इनको बंद करके तो सीधी सिलाई में ये लग जाते हैं। और ऑर्गेन्जा के ऊपर ये दो पैच हैं स्लीव्स के, ये देखें स्लीव्स के ऊपर ना, ये रिस्ट जैसे हमारी है ना, एल्बो से लेके रिस्ट तक ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये है जी इसका नेट जो है, नेट का मैरून कलर का दुपट्टा, ये बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तीन कलर का ना। तो ये है इसका दुपट्टा फुल एम्ब्रॉयडरी वाला, इसके अंदर गोटा पन्नी सारे दुपट्टे के अंदर है, और फ्लावर छोटे बने हुए हैं, और एक ये वाली पट्टी लगती है दुपट्टे को, फर्स्ट ये लग के सेकंड ये लगती है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये जोड़ा मेरे पास जो है अवेलेबल है, तो विदाउट पेमेंट मैं कपड़े होल्ड नहीं करती हूँ, आई एम सॉरी। और ये है जी बड़ा हिट कोड, ये लिनन का सूट है, ये स्टिचिंग साथ लिखी हुई है, मैं आप लोगों की इसकी स्टिचिंग नहीं बताऊंगी, इतने का जोड़ा नहीं होता जितना ऊपर हमें स्टिचिंग का पड़ जाता है, ठीक है। ये है जी D1, ठीक है, ये D1 जो है ये सूट है, ये देख लें, ये इसकी कश्मीरी शॉल है, मैं आप लोगों को दिखाती, इसका ट्राउज़र नहीं बना हुआ, मैं ट्राउज़र नहीं बनवाती हूँ, किसी ने सिगरेट ट्राउज़र बनवाना है, शरारा बनवाना है, शलवार बनानी है, तो वो उसके हिसाब से ये स्टिच होके चला जाता है। और जो मेरे ये सूट की प्राइस होगी, इसकी शलवार की स्टिचिंग उसके अंदर
जो है इंक्लूड है, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है जी। और ये होगी जी इसकी फ्रॉक, इतना बड़ा जो है इसका घेर है, ये देख लें, ये इसका इसका जो घेर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा कलियों वाला इसका जो है ये सारा घेर है, ये बिल्कुल लॉन्ग जो है ये फ्रॉक बनी हुई है, ठीक है, ये लॉन्ग फ्रॉक बनी हुई है। अगर किसी ने मोती शोती कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे ऑर्गेन्जा भी लगता था, मैंने नहीं लगवाया क्योंकि उससे ना कुछ ज़्यादा ही हैवी हो रही थी। और ये है ऊपर से इसके जो है ना, ये पेटी जो बना हुआ है इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी है, ये स्टिच करवा के मैंने मंगाया है। और ये हैं बटन वाले इसके बाजू, ये देख लीजिए बटन वाले इसके जो बाजू हैं आगे से, ये देखें जैसे ये पिक्चर में बाजू थे, जैसे पिक्चर में जो फ्रॉक थी वैसे ही बन के आई है। सिर्फ ये मोती जो है ना मैंने नीचे दोबारा काट के तो ऐड नहीं किए, अगर लगाना चाहो तो आप खुद से लगा सकते हो। तो इसका छोटा प्यारा सा बोट नेक इसका गला बनता था, तो वही इसका जो है फ्रंट बैक से सेम गला है, ठीक है, फ्रंट बैक से सेम है ये, ठीक हो गया जी। ये लॉन्ग फ्रॉक है ये, इसकी जो है ना ये लार्ज साइज में है, ये सॉरी ये भी बता दूं ये लार्ज साइज में है। और इसकी जो ये शॉल है, शॉल को तो पूरे जो हैं वो मोती जो हैं जैसे ही शॉल को लगे हुए थे वैसे ही हम लोगों ने इसको ऐड करवाए हैं, ये देख लीजिए, ये इतने इजी नहीं है इस तरह के मोती लगाने, ये देख लें ये पूरी शॉल को लगे हुए हैं। और कश्मीरी शॉल है इसकी, इसके पीस बहुत थे ये जोड़ के सारी, तो ये ना शॉल बनाई है इसके बहुत ज़्यादा पीसेस से, ठीक है। तो ये है इसकी कश्मीरी शॉल, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी, ये मेरे पास जो है जोड़ा हिट कोड जो है ये मेरे पास जो है अवेलेबल है। तो कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, मुझे मैसेज करना हो, स्क्रीन शॉट भेजना हो, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग भेजा करें, ठीक है। ये पलटा लग के सारा जो है तैयार हो गया है, और ये सारी जो है ना जोड़ लग के सारी जो है ना शॉल तैयार हुई हुई है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जोड़ों के साथ। सॉरी मैं भी थोड़ी सी ना बिज़ी हो गई थी, तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से मिलती रहूँगी अच्छे अच्छे जोड़ों के साथ। तो जो मारिया बी की कलेक्शन वेडिंग कलेक्शन आई है वो भी मेरे पास आ रही है, कोई प्री ऑर्डर करना चाहे तो कर सकते हो, बन के भी आ सकती है, वैसे अनस्टिच भी मिल सकते हैं, ठीक है जी, आप उसके वेबसाइट पर जाके चेक कर लें। दूसरा ये है कि उसकी जो लॉन आई थी तो वो काफ़ी सारे मेरे ऑर्डर पे थे, तो वो भी इंशाल्लाह बन रहे हैं, जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।